जी नाइन न्यूज के खास कार्यक्रम वोटर के बोल में आज हम आपको ले चलते हैं मथुरा के छाता विधानसभा क्षेत्र के अगरियाला गांव में। उम्मीद के मुताबिक विकास ना होने से इस बार ग्रामीण कुछ अलग ही मिजाज में दिख रहे हैं, तो आइए आप भी सुनिए क्या बोले अगरियाला के वोटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी नाइन न्यूज, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। वोटर के बोल कार्यक्रम में आज हम आपको ले चलते हैं मथुरा जनपद के छाता विधानसभा क्षेत्र में। 81 नंबर के छाता विधानसभा क्षेत्र में इस समय चुनाव चरम पर है, कैसा माहौल है, वहाँ की जनता इस बार किस तरह का अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहती है, तो आइए इस वक्त हम आ गए हैं छाता विधानसभा क्षेत्र के अगरियाला गांव में। ये अगरियाला गांव अकबरपुर से और शेरगढ़ रोड पर जब हम जाते हैं तो उसी रोड पर दाहिनी तरफ ये गांव पड़ता है। पूरा ग्रामीण परिवेश का गांव है और यहाँ की अगर हम बात करें तो लगभग 13-14 हज़ार की आबादी है और 5 हज़ार के लगभग यहाँ वोटर हैं, मिली जुली आबादी है। हालांकि ठाकुर बाहुल क्षेत्र है लेकिन यहाँ हर बिरादरी के लोग यहाँ हैं, ब्राह्मण भी हैं, बघेल समाज के लोग भी हैं और यहाँ तक कि जाटवों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के भी यहाँ पर घर हैं, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मिश्रित आबादी है। लेकिन आप देख रहे हैं इस बार हम अगर इस गांव में घूम कर आएँ तो कोई मंदिर हो, चौपाल हो, गली हो, हर जगह पर किसान अपनी इस वक्त खेती में, अगर यहाँ खेतों का भी हमने देखा है तो खेतों में सरसों की फसल लहला रही है या फिर गेहूं, तो इस वक्त किसान अपने खेतों में खाद पानी लगा के बिल्कुल फ्री बैठा हुआ है। और जब फ्री होता आदमी तो चर्चा सिर्फ चुनावों की है। तो आइए गांव की हम चौपाल पर आए, आप देखेंगे यहाँ लोग बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार चुनाव में किस तरह का माहौल है, कैसा आप लोग यहाँ पर चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि इस बार कैसा हो। क्या नाम है? टीटू। टीटू, क्या करते हो आप? किसान ही है भैया। खेती करते हो? अच्छा, माहौल कैसा है चुनाव का यहाँ? माहौल ठीक है, तेजपाल सिंह जीतेंगे। अच्छा, कौन सी तारीख को वोट पड़ेंगे मालूम है? हाँ पता होगा, 10 तारीख को पड़ेंगे। 10 तारीख को? हाँ। तो खेतों से तो फ्री हो गए आप? खेतन से कहाँ, बम्बई ना आयो कबू। अच्छा, और कहा, बम्बई में पानी नहीं आया? बम्बई की ऐसी रेड पिटी है, बाकी सब फसल की ऐसी ऐसी वही पड़ी है। वहाँ खेतन पर जाके देखो, गाय अनते बाजार अनते बिजली थे, बिजली आवे 8 घंटा कर रखी है, वो काट पीट करके वो 3 ही घंटा आम। सरकार तो योगी जी तो कहते हैं किसानों को भरपूर बिजली दे रहे हैं। सरकार योगी जी की सही है, योगी जी सही हैं, अपनी जगह पे फिक्स हैं एकदम। योगी जी से शिकायत नहीं है हमारी। नहीं बिजली तो फिर आप कह रहे बिजली नहीं आ रही, बिजली तो कह रहे आ रही है। वो गड़बड़ यहाँ से करते हैं कर्मचारी। हाँ, वहाँ से थोड़ी है। कौन सी फसल है आपके खेतों में? गेहूँ। हाँ, तो पानी नहीं मिल रहा है, सिंचाई को मिल लो है महाराज, पर थोड़ा मिल लो है, बिजली कम आ रही है जाड़े में, शीतकाल में इतनी ठंड पड़ रही है, बम्बे ना आए। तो आपने कहीं अधिकारियों से, अपने नेताओं से कोई नहीं कही? नेता ने तो कही है, जो भी आया हो नेता बंद कही है, कहा सुनी भाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं ना, बम्बो तो आया ही ना है। कुल मिलाकर यहाँ के जो आपके ग्रामीण वासी हैं, किसान हैं, वो इनके कार्यकलापों से प्रशासन के शासन से खुश नहीं है? नहीं, मंत्री अगर ठीक ठाक है जानते हमारे यहाँ के तो खूब खुश है। योगी जी तो आज खुश हैं और फिर खुश हैं और अब आने वाले योगी जब भी खुश हैं। क्या नाम है आपका? ब्रह्म। ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म। इस बार कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हो, कैसा विधायक चाहते हो? अब मेरी बात है, कहा जनता ही करेगी। आप भी तो जनता हो। हाँ, बढ़िया से मतलब क्या चाहते हो? गोरा चिट्टा हो, सुंदर हो, अट्टा कट्टा हो, ये अट्टा कट्टा विकास चाहिए। हाँ, हमें गोरे बोरे विकास में अपने गांव के क्षेत्र के क्या विकास की चाहते हैं? अजी ये स्कूल कॉलेज में जो मास्टर ना आ रहे, जे मतलब बिना पढ़े लिखे बच्चा डोल रहे हैं। हमें स्कूल है? हाँ, कमुना स्कूल है, मास्टर टीचर नहीं आते हैं टाइम पे, और ना है इंटर तक दिखे वो। हाँ, और आप कहाँ तक पढ़े हो? समस्या, मैं 8 पढ़े हूँ। हाँ, समस्या का याद है कि लड़की ने की समस्या आ रही है, कन्या पाठशाला है लेकिन मास्टर कोई मैडम कोई नहीं आ रही है, क्यों करके लड़की नहीं पढ़ा रहे हैं। काका क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन। राजन, आ गए उक्का के चलम, कहाँ है आपके? अरे भरी में क्या करते हो आप? खेती करते हो? हाँ। इस बार कैसी फसल है? फसल ठीक है, हाँ। लेकिन बेमौसम की जो बारिश पड़ गई उससे कोई नुकसान? लाइन में नुकसान है, लाइन नुकसान है सब, खूब खूब। अच्छा, चुनाव की चर्चा अगर हम करें आपसे तो गांव में कैसा आप इस बार जो आपके गांव के लोगों की मंशा है, कैसा नेता विधायक चाहते हैं? हमारा नेता तेजपाल, तेजपाल ने विकास करो, हमारा पहले हूँ। हाँ जी,
पहले चुनाव में क्यों उनको हरा दिया आपने, फिर क्यों वोट नहीं दिया? वो योगी जी को, हाँ जी। तो इस बार भी योगी जी है? ये विधायक नाम बढ़िया साहब, हम तेजपाल मंत्री बढ़िया बात देंगे वोट। हाँ जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम हरिओम ठाकुर, हरिओम। हाँ जी, क्या कहोगे अगर मैं चुनाव की बात करूं तो कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हो, क्या मन बना है इस बार? भाई साहब, हमको जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो हमारी जनता में विकास करे, अच्छी छवि वाला हो, किसानों के लिए सुविधा मिले, बच्चों के लिए रोज सुविधा नहीं मिली, अभी नहीं मिली। 2000 रुपये का DAP का कट्टा खरीदा है, यूरिया का 400 और 500 का खरीदा है ब्लैक में, और अब पानी सहकारी समिति से नहीं मिल रहा है, नहीं मिलता, और अब पानी की जरूरत है, नहर में पानी नहीं आता, लड़कियां हमारी बच्चियां नहर बम्बे राजवा की खुदाई नहीं हुई, राजवा की सफाई तो हुई लेकिन उसमें अभी तक पानी नहीं आया। हाँ जी, बुखरारी राजवा में, बुखरारी राजवा पर के ये किसान है सब, पानी नहीं आया बिल्कुल भी, और लाइट की कहते हैं योगी जी का आदेश है कि ऊपर से किसानों को 10 घंटे दिन में बिजली दी जाएगी, क्योंकि कोई दंगे फसाद ना हो, दिन दिन में पानी लगाए, ऊपर से लाइट 10 घंटे और मात्र मिलती है यहाँ कट कटा के 3 घंटे, कोई सड़क कोई हमारे गांव के लिए, मेरे आपका नाराजगी है। क्या नाम है आपका? भगत सिंह जी। क्या करते हो? किसान करता हूँ सर जी, युवा किसान। हाँ जी, क्या सोच है आपकी फिर इस बार? सोच सर ये है हमारी, हम पे 3 बीघे खेत है घर का, उसमें बिजली लगी हुई है, पहले बिल आता था हम पे 10,000 रुपये, अब बिल हो गया है 28,000-29,000 पर साल, बिल की पूर्ति होती है, बच्चे मतलब। इस बार तो ऊर्जा मंत्री ने कहा किसानों का बिल आधा कर दिया, चुनाव से पहले ही उन्होंने कहा है, उन्होंने घोषणा ही तो की है, किया तो नहीं है, वोटिंग के मार किया उन्होंने तो। हाँ, वोट लॉलीपॉप। हाँ, लॉलीपॉप। आपका क्या नाम? ठाकुर नरेश कुमार सिसोदिया। सिसोदिया जी, क्या करते हो? बस खेती बाड़ी करते हो। तो क्या मन बनाया इस बार आपने? मन बनाया ठाकुर तेजपाल सिंह छाता विधानसभा में और राज्य में योगी जी। अच्छा, जब ठाकुर तेजपाल को आप विधायक बनाओगे तो योगी जी कैसे आएंगे फिर? योगी जी तो हमारे बराबर आएंगे, ठाकुर तेजपाल सिंह लाना है हमको छाता से, वो छाता अगर तेजपाल सिंह बनेंगे तो फिर अखिलेश आएंगे? अखिलेश तो कभी आने नहीं है, ठाकुर तेजपाल सिंह आने। आपका क्या नाम है? जी मुकेश कुमार नाम है मेरा। क्या करते हैं जी? मैं ड्यूटी करता हूँ फरीदाबाद में। नौकरी करते हैं जी? इतनी दूर क्यों जाते हो? यानी यहाँ कोई रोजगार ही ना, तो फिर वहाँ का करेंगे, वहीं जाना पड़ता चाहता मैं। और कोसी में तो बहुत मील वील है, सब बंद पड़े हैं जी, चीनी मील बंद पड़ा, और रोजगार की जो बात करें ऐसी जी। अब हर बार चुनाव आता है, राजनाथ सिंह जी आए थे तरौली में 5 साल पहले, वो बोला, उन्होंने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनते ही छाता मिल को चालू, धुआं निकल जाएगा। हाँ, तो वो मतलब धुआं निकल जाएगा वहाँ, तो धुआं कहाँ चल रही है, आज तक टीन भी ना डाली है, कभी गेट भी ना खोला गया है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत ही मतलब कोई मतलब ही नहीं है, शिक्षा तो है ही नहीं हमारे यहाँ जी, सबसे बड़ी बात। अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो रोजगार तो हम छीन लेंगे ना, जब शिक्षा ही ना रहेगी तो रोजगार कहाँ से आएगा, फर्स्ट नंबर। दूसरी नंबर, शिक्षा और हमारे थोड़ा सा आउटसाइड में पड़ती है, उसके लिए रास्ता नहीं है। 3 महीने के बस जाते हो पढ़ने, यहाँ से 9-10 किलोमीटर सेरगढ़ है जी। और जो लड़कियाँ हैं वो पर कैसे आती हैं? वो कहाँ जाती, रास्ता तो है ही नहीं उनके लिए। अगर 3 स्कूल होना चाहिए, फर्स्ट नंबर शिक्षा होनी चाहिए। हाँ, शिक्षा का। अगर हम बात करें अस्पतालों के, बीमार होते हो तो कहाँ, गांव में अस्पताल है? मथुरा भगनों पर है बिल्कुल सीधा। हाँ, यहाँ तो कुछ है ही ना, सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ, तनख्वाह सब डॉक्टर ले रहे हैं, लेकिन गेट भी ना है उस पर, नौगाम में। हाँ, हमारे यहाँ खाद्य विभाग है, अगरियाला के अंदर खाद्य विभाग है, लेकिन गोदाम ना है। सरकार की स्थिति में अगर देखा जाए तो खाद विभाग है लेकिन गोदाम नहीं है, स्कूल है, टीचर नहीं है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, तो ये सब यहाँ की बड़ी एक विडंबना है। लक्ष्मी नारायण का जिस पे हाथ रख दिया है ना, जिसपे, तो वो तो भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। बड़ी आक्रोश निकल के युवाओं में आ रहा है। और भी पूछते, क्या नाम है? ये नाम तो बनवारी है। बनवारी क्या करते हो? कच्छ ना करो, तो बैठे रहे तू। हाँ, वो काम धंधे लाका हूँ। कितनी उम्र है? उम्र है मैं भी 70-73 साल। तो पहले क्या करते थे? खेती करते हो। अगर आपके क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पिछले 5 साल के विकास कार्यों से कितने संतुष्ट हैं? यहाँ ना बहुत सा 2 पैसा को गया काम में तो। अच्छा, अंता की हम पर ठेकेदारी ना है और लिया काम में ना करें। इस बार क्या मन बनाया है? इस बार तो वो ठाकुर तेजपाल सिंह की वोट देंगे। बदलाव चाहते हो? बदलाव चाह रहे हैं साहब। आप पर हर बार क्यों बदल देते हो? 5 साल में ही आप वैसे नंबर होगा कि तेजपाल सिंह ठाकुर को है? नहीं, ऐसे नंबर क्यों बांध रखे आपने? ये तो तहसीलों को काम है, क्या है जनता को, अब ये हमारे चाहे हाथों काम तो होना है, जनता के ऊपर है। देखो, और भी यहाँ पर बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं, आइए उनसे पूछते हैं।
क्या करते हो? हम तो साहब खेती करते हैं जी। कैसी है इस बार फसल? फसल तो अब ईश्वर ने सब ठप कर दी। हाँ जी, पहाड़ों पर खूब जोरदार। हाँ जी, क्या मन बनाया है? कैसा विधायक चाहते हो, कैसा नेता चाहते हो? विधायक ऐसा चाहते हैं कि सबको, छोटे बड़े सबको समान समझे। अब भेदभाव ना करें। अब तक तो विधायक ऐसे रहे साहब, फूट कचरिया की चोरी पे उनके दलालों ने फांसी की सजा। आपसे ही बात विवाद हो जाए, मेरा एक लड़का पकड़ा गया आपसे ही के धौल थप्पर के पीछे, उनके दलालों ने 35,000 रुपया दे करके थाना सेलड़ से छुड़वाया। और मुझसे कमजोर इस गांव में तो कोई है नहीं। किसान अपना तमाम दर्द रो रहे हैं और युवा साथी हैं, उनसे पूछें क्या नाम है आपका? भगत सिंह जी। भगत सिंह क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हैं सर। आपका क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण क्या करते हो? कुछ ना, वैसे ही कॉस्मेटिक की दुकान से खोल रहा है, छोटी सी है। गुजर बसर होती है आराम से? ना, गुजर बसर वैसे का चूना है। पढ़ाई कहाँ तक? पढ़ाई मैंने करी इंटर तक। आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे यहाँ कोई कॉलेज ही नहीं, ना कोई डिग्री कॉलेज। क्या कहा भाव है? हाँ बिल्कुल। इस बार क्या मन बनाया युवाओं ने? आप तो युवा हो, क्या चाहते हो इस बार? कैसा विधायक चाहते हो? तेजपाल सिंह, ठाकुर तेजपाल सिंह। वो यही तुम्हारे नजदीक केस नहीं है? बिल्कुल नजदीक केस नहीं है। नहीं, हमें विकास भी चाहिए। हाँ जी, उन्होंने पहले विकास कराया था? अब पहले भी भाई देखो, पहले उनकी सरकार नहीं थी, ठीक है। और बताओ, अब लगता है आपने फिर उनको बदल क्यों दिया? जब विकास कराते तो हटा क्यों दिया? 2000 योगी बाबा की वजह से बदला था। योगी बाबा तो इस बार भी फिर है? हाँ, वो बात तो ठीक है तुम्हारी, पर जी है आपके देखते हैं क्या। अपने अगर आपके क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ क्षेत्र के विकास को लेकर क्या आपकी अपेक्षा है आने वाले जनप्रतिनिधियों से? क्या चाहते हो अपने क्षेत्र? हमें विकास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। विकास में क्या रोजगार है? स्कूल कॉलेज और गन्ने मिल की कोई सुनवाई नहीं हुई है पिछले जी। तो देखा, आज हम यहाँ अगरेला गांव में, और वोटर के बोल में आपने सुना, यहाँ जो वोटर हैं इसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कुछ शिक्षित लोग भी हैं जो नौकरी करते हैं और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर फरीदाबाद नौकरी करने जाते हैं, तो कुछ अपने गांव में रहकर अपना छोटी छोटी दुकान कॉस्मेटिक के चलाकर अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनकी बात एक ही है कि ये उनका जो अगरेला गांव है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग से तो करीब 15-20 किलोमीटर दूर सरकार रोड पर है। ऐसे में यहाँ बात उन्होंने जो बताई है, जो सामने निकल कर आई है, कि अस्पताल की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है ढंग की। पास के गांव में अस्पताल है लेकिन डॉक्टर आते नहीं हैं। 20 गोदाम है, वहाँ बीज नहीं है, खाद नहीं है। और सबसे बड़ी किसानों ने अपनी समस्या बताई है कि इस बार ब्लैक में उन्हें खाद और यूरिया लेना पड़ा है, बड़ी विडम्बना है, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला। तो इन सब बातों को लेकर इस बार जनता में नाराजगी है और इस नाराजगी की वजह से उन्होंने बदलाव की बात कही है। लेकिन देखना यह है कि आने वाले 10 फरवरी के चुनाव में किस तरह का मूड मतदाताओं का रहता है, क्योंकि अभी तो 10 दिन बाकी हैं और 10 दिन में हर रोज चुनाव रंग बदलेगा। तो अब अपना स्थिर मन से किसको ये मत डालेंगे, ये आने वाली 10 मार्च को जब मतों की गणना होगी उसमें पता चलेगा कि छाता विधानसभा क्षेत्र से इस बार जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और अपने क्षेत्र की विकास की जो बागडोर है वो किसके हाथ में सौंपती है, ये अभी देखना होगा। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा। अरे वाह, क्या बात है, आपके तो कपड़े और बर्तन बिल्कुल नए की तरह चमक रहे हैं। क्या कोई जादू किया है क्या? हाँ बहन, गोगा वॉशिंग पाउडर व साबुन आ गया है ना, ये सब उसी का कमाल है। अच्छा? हाँ, एक बार तुम भी इस्तेमाल करके देखो, ये कपड़ों के साथ साथ हाथों को भी कोमल रखता है। क्या खारे पानी में भी काम करता है? हाँ बहन, खारे पानी में भी कपड़ों को देता है चमकदार धुलाई। ना मानो तो आजमा लो। तो अब मेल का सफाया होगा, गोगा वॉशिंग पाउडर जहां होगा। खबरों में अभी इतना ही। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल G9 News को अभी सब्सक्राइब करें। फॉलो अस ऑन Facebook G9 News, Twitter @G9 News, फॉलो अस ऑन Instagram G9 News, विजिट अस ऑन आवर वेबसाइट www.g9.in।